नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआरटीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। काम हुए हैं तो दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन राव साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने उत्तर नागपुर को संवारने के लिए क्या इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद से उन्होंने ये उत्तर नागपुर को वो चीजें दी है जिससे हम आज सुकून ले रहे हैं। मैं यहाँ पर हमारे कल्लन हाई स्कूल के छात्र कल्लन हाई स्कूल के असातिज़ा भी यहाँ पर मौजूद हैं, हेडमास्टर भी हैं और कल्लन हाई स्कूल के चेयरमैन भी हैं। मैं जनाब मास्टर नजबुल साकिब साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कल्लन हाई स्कूल के तमाम असातिज़ा और बच्चों का तारुफ करें, उन्हें बुलाएं और उन्हें दो शब्द कह लें। इस वक्त हमारे समक्ष हैं कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक श्री मंसूर खान साहब। खान साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये जो बेहतरीन आयोजन किया गया है, आज़ादी गौरव महोत्सव भी मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा का भी अभियान चल रहा है, कांग्रेस की गौरव संकल्प यात्रा भी चल रही है, तो आप बताइए इन ये जो आज कार्यक्रम इतना अच्छा आपने आयोजित किया हुआ, इसका क्या मकसद है उस बारे में? ये हमें संदेश देना है कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 15 अगस्त मना रहे हैं। आज़ादी अमृत महोत्सव ये हम मना रहे हैं तो आज देश में, हमारे देश में जो एक भाईचारे का माहौल है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसे बरकरार रखने के लिए और हमारे बच्चों को ये दिखाने के लिए कि हमारे देश ने 75 सालों में कितनी तरक्की की है, जब तक हम इस ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे हमारे बच्चे जान नहीं सकते। यही कारण है कि हम ऐसे प्रोग्राम लेके देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि इस देश के लिए जो लोगों ने बलिदान दिया है उसका जो फायदा आज हम उठा रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, ये हमारे देश के जो नौजवान थे, बुजुर्ग थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़कर इस देश को आज़ाद कराया और आज हम बड़े खुले माहौल में सांस ले रहे हैं, यही चीज़ है कि इसको हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। जिस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, छात्र यहाँ पर आए हुए हैं सब तिरंगा कलर का स्कार्फ, एक मैसेज होगा यहाँ के नागरिकों के लिए। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आपके सामने कि सब में पहले तो मैं नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज़ादी की, और उसके अलावा हमारे उत्तर नागपुर के जो आमदार हैं माननीय डॉक्टर नितिन राव साहब, जब से वो यहाँ पर MLA बने हैं तो इस एरिया में बहुत इस एरिया को डेवलप किया है। 10-20 साल पहले कुछ नहीं हुआ करता था यहाँ पर, मैं खुद इस एरिया में 42 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। जब हम उस प्लेट में रहते थे यहाँ पर ना रोड था, ना सीवर लाइन थी, ना गटर था, ना इलेक्ट्रिक थी, कुछ भी नहीं हुआ करता था। लेकिन माननीय डॉक्टर नितिन राव साहब, जब उनको मौका मिला यहाँ का MLA बनने का, तो उन्होंने इस एरिया को डेवलप किया है। अभी कुछ एरिया आपको ऐसे लगेंगे कि डेवलप नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में अच्छे अच्छे जहाँ सिविल एरिया में सीमेंट रोड बनाए गए हैं वहाँ भी पानी भर रहा है। तो ये एरिया जो है इसको डेवलप करने के लिए हमारे डॉक्टर नितिन राव साहब ने अभी ये जो वंदेवी चौक से यशोधरा चौक से शिवाजी चौक से मेट्रो स्टेशन कामठी रोड वहाँ तक, और शिवाजी चौक से ही टीपू सुल्तान चौक तक, वहाँ से रिंग रोड तक ये रोड बनाने के लिए उन्होंने 25.5 करोड़ रुपये NIT से निधि दिलवाई है, और उसके अलावा जो बस्ती के अंदर के काम है उसको सीमेंटीकरण उसका किया है उन्होंने, 100 करोड़ रुपए
इस उत्तर नागपुर के लिए उन्होंने खर्च किए हैं, खुद मैंने कम से कम 125 करोड़ रुपए के डॉक्टर नितिन राउत साहब के फंड से और उनके माध्यम से यहाँ के काम कराए हैं। और यहाँ की जनता जानती है कि यहाँ काम कराने वाला कौन है, और यहाँ की जनता डॉक्टर नितिन राउत साहब का अभिनंदन भी करती है कि उन्होंने इतना फंड और इतना डेवलप इस एरिए के लिए, पूरे उत्तर नागपुर के लिए फंड लाया है और इसको डेवलप किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से वो काम करते रहेंगे। हर तरह का एक आकर्षण है, तो आप बताइए किस तरह की कल्पना थी, किस तरह की आप उस बारे में? नहीं, हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बाबा साहब हैं, हमारे साथ भारत माता है, हमारे साथ गांधी जी हैं, हमारे साथ जितने महापुरुष हैं वो खड़े हुए हैं। और ये जो महापुरुष हैं, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, जो महापुरुष हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही निकले, और जो तरक्की इस देश ने किया है वो कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकाल में किया है। आज आप देख लीजिए, ये 7-8 साल से जो वातावरण खराब है देश का, ये हम और आप सब जानते हैं कि कांग्रेस हटी जनता बटी, जनता को बांट दिया गया है, डिवाइडेशन किया जा रहा है। लेकिन हम बार बार कोशिश ये कर रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि हम बटने वाले नहीं हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध हम सब एक हैं, और इस देश को एकता के साथ रहने दिया जाए। आप लोग देख रहे हैं कि इस देश में कितना उत्पात मचा हुआ है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमारे देश की जनता सुकून चाहती है, अमन पसंद है, अमन चाहती है, कोई भी भाईचारे को बिगाड़ना नहीं चाहता। तो मैं अपने तरफ से ये संदेश दूंगा कि ये देश हर समाज को लेकर बना है, किसी एक समाज से नहीं बना है। इस देश के लिए जिन लोगों ने अपनी गर्दनें कटाई, जो सूली पर चढ़े, जो फांसी पर चढ़े, जिन लोगों का कत्लेआम किया गया अंग्रेज़ों ने जो कत्लेआम किया, तो वो जो शहीद हुए, वो जो शोधा हैं, वो सिर्फ एक कौम के नहीं हैं, वो हर कौम के हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये देश हर कौम का है और हर कौम का रहेगा हमेशा। जैसे आप लोग जानते हैं कि भारत को आजाद करने के लिए 10-20 लोगों ने कुर्बानी नहीं दी थी, भारत को आजाद करने के लिए 1,500 या 10,000 लोगों ने कुर्बानी नहीं दी, बल्कि हमारे देश को आजाद करने के लिए सभी धर्म के लोगों ने लाखों की तादाद में भारत के लिए अपनी बलि दी है, अपनी कुर्बानी दी है, जब कहीं जाके आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। दोस्तों, अंग्रेजों से जब हमारे देश के लोग लड़ रहे थे, तो ये देश जिसे हम भारत, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से पुकारते हैं, ये देश में आपने देखा होगा जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो यहाँ उतनी व्यवस्था, उतनी तरक्की नहीं हुई थी, ना उधर थी ना इधर थी। लेकिन आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो 60 और 65 साल इस देश पे हुकूमत किया है, इस हुकूमत ने, कांग्रेस पार्टी ने देश को क्या क्या नहीं दिया। आपको हेलीकॉप्टर कांग्रेस ने दिया, प्लेन कांग्रेस ने दिया, ट्रेन कांग्रेस ने दिया, परमाणु बम कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस की जो कुर्बानी है, और क्या कांग्रेस के नेताओं ने जो इस देश के लिए कुर्बानी दी, कांग्रेस को चाहने वालों ने जो इस देश के लिए कुर्बानी दी, वह आज आपके सामने है। और उसी के माध्यम से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा देश एशिया में सुपर पावर कहा जाता है।